और इस वक्त मैं मौजूद हूँ आम आदमी पार्टी के कार्यालय के बाहर, जहाँ पर जीत के जश्न के लिए तमाम कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों के साथ तैयार हैं। और आपको रुझान बता दूँ, इसके साथ साथ कई सीटों पर जीत भी हासिल कर चुकी है आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। मोहन गार्डन से बीजेपी के श्याम मिश्रा जो है वो जीत चुके हैं, और इसके अलावा जो दरियागंज सीट से है वहाँ से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी जीते हैं। गौतमपुरी से बीजेपी की सत्या जो है वो भी जीत गई है। और आम आदमी पार्टी के कार्यालय के बाहर मैं इस वक्त मौजूद हूँ, जहाँ से आपको मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ। और ये तमाम जो भीड़ देख रहे हैं आप मीडिया, और इसके अलावा जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के, वो यहाँ पर हैं। और तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, और इसी के साथ साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान भी कुछ ही क्षणों में जो है वो यहाँ पहुँचने वाले हैं। बस अब से महज कुछ ही देर में पंजाब के सीएम भगवंत मान जो है वो यहाँ पर पहुँच जाएंगे। और आपको बता दूँ कि कई सीटों पर आम आदमी बढ़त बनाती हुई चल रही है, और 132 सीटों पर मौजूदा रुझानों में आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी 105 सीटों पर, कांग्रेस पार्टी जो है 8 सीटों पर, और 5 सीटों पर अदर्स यानी निर्दलीय जो है वो चुनाव जीत रहे हैं। दरियागंज से सारिका जो है आम आदमी पार्टी की कैंडिडेट वो जीत गई है। और अभी फिलहाल की जो अपडेट है वो ये है कि भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास पहुंच गए, उसके बाद उनको यहीं पार्टी ऑफिस भी आना है। और ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ आम आदमी पार्टी ऑफिस के बाहर से, जहाँ पर आम आदमी पार्टी के एमसीडी इलेक्शन में बम्पर जीत के जश्न में तमाम कार्यकर्ता जो है वो झूम रहे हैं। और ये तस्वीरें सीधी आम आदमी पार्टी ऑफिस के बाहर से हम आपको दिखा रहे हैं। और ये आम आदमी पार्टी ऑफिस की तस्वीरें, जहाँ पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी जो हैं वो बम्पर जीत के साथ जो है जल्द ही यहाँ पर आने वाले हैं। तो फिलहाल की यही अपडेट है, और इसके बाद हम जल्द से जल्द आपको अपडेट देते रहेंगे कि जो भी अपडेट चलती रहेगी वो आप हमारे चैनल पर देखते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरे कैमरा पर्सन सहयोगी नीरज के साथ मैं जिब्रान जरार खान, न्यूज़ 44 दिल्ली।